दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सभी को फार्मूला याद रखना बेहद ज़रूरी है। कहता है कि एक वृत्त का परिमाप, दोस्तों वृत्त का परिमाप यानी परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो 2πr होता है। उसके बाद में कहता है कि और क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr2। संख्यात्मक रूप से बराबर कर देते हैं तो त्रिज्या यानी r का मान क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पाई से पाई को काट देंगे, ठीक है जी। आर स्क्वायर से एक आर कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा केवल 2 और यहाँ पे बचेगा आर। यानी जब वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर करते हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या यानी आर का मान 2 मात्रक आता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 2 मात्रक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि यदि ए में दिया गया है 2.3 की दूरी मूल बिंदु से क्या हो जाएगी। देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक 0.0 होता है और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का आसान फार्मूला √x² प्लस होता है y²। अब देखिए, x का मान यहाँ पे दिया गया है 2, तो हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। y का मान यहाँ पे 3 दिया गया है और दोस्तों 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 9 में 4 को ऐड करेंगे तो √13 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु 2.3 की दूरी मूल बिंदु से √13 होगी। √13 ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कि यदि 2 संख्याओं का LCF 15 है और LCM 90 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा। देखिए, संख्याओं का गुणनफल का आसान फार्मूला HCF गुने LCM होता है। क्या होता है जी, HCF गुने LCM होता है, जिसे हिंदी में हम लोग लसा गुने मसा कहते हैं। देखिए, HCF यानी मसा का मान यहाँ पे 15 दिया गया है, LCM यानी लसा का मान यहाँ पे 90 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 15 में 9 से ना करते हैं तो 135 रहता है। 10 को हम यहाँ पे सेम टू सेम लिया कर बैठा देंगे तो इस प्रकार से 15 में 90 से गुणा करेंगे तो 1350 हो जाएगा। और 1350 ऑप्शन सी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 33 कहता है यदि 2θ = 60° हो तो sin θ का मान क्या हो जाएगा। सबसे पहले कहता है कि यदि 2θ = 60° हो, यदि केवल θ = 60 लिखेंगे तो 2 गुना में है तो भाग में हो जाएगा, ये कटने के बाद 30 हो जाएगा। अब आपको sin θ यानी sin θ के बदले में 30° रख देंगे। अब आप ही बताइए sin में 30° का मान कितना होता है। दोस्तों, 1/2 होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1/2। उसके बाद में कहता है आकृति PA और PB 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि यदि PA बराबर 8 सेमी है, कोण APB बराबर 60° है तो PB की लंबाई क्या हो जाएगी। आप सभी को एक चीज़ पढ़ाया जाता होगा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब, एक स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 8 सेमी दिया गया है तो जाहिर सी बात है दूसरे स्पर्श रेखा के लिए भी लंबाई 8 सेमी हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में कहता है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का हल हो जाएगा। तो जब भी 2 रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं तब रैखिक समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। चलिए अगला सवाल 36 नंबर को देख लीजिए कि 2 समान कोणिक त्रिभुजें में उनके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन दोस्तों थेल्स महोदय का है। उसके बाद में कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। तो याद रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180° होता है।
इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा जी, 180 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि दो गोलों के आयतन का अनुपात 125:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 125 को हम लोग ऐसे करेंगे कि 5 × 5 × 5 तो 125 जाएगा, अनुपात 27 करेंगे तो 3 × 9 = 27, तो यहाँ पे 5 × 5 = 5 लिखना है, फिर यहाँ से 5 लिख देना है, 3 × 1 = 3 लिखना है, फिर से यहाँ पे 3 लिख देना है ना जी। तो 5 × 25 हो जाएगा और 3 × 9 हो जाएगा, यानी 25:9 क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद में अगला सवाल 39 कहता है कि कॉस थीटा बराबर 100 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सेक थीटा का फार्मूला 1/cos θ होता है। अब क्या करेंगे, 1 के बदले में 1 लिखेंगे और कॉस बराबर क्या क्वेश्चन में दिया गया है, एक्स दिया गया है, यानी 1/cos θ बराबर 1/x हो जाएगा। 1/x ऑप्शन डी में है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक A में दिया गया 2.4, B में 0.6 तथा C में 4.-1 हो, तो त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक क्या हो जाएगा। दोस्तों केंद्रक का निर्देशांक याद करना काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल होता है। इसके लिए एक्स का एक फार्मूला होता है, x1 + x2 + x3 / 3 होता है। अब देखिए x1 का मान हम लोग यहाँ से मिलेंगे जो कि यहाँ पे 2 दिया गया है, x2 का मान यहाँ पे 0 है तो 0 लिखेंगे, x3 का मान यहाँ पे 4 है दोस्तों तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 3 कर देंगे। अब देखिए क्या होगा कि 4 और 2 = 6 हो जाएगा, 6 में 3 से भाग लगाएंगे तो 2 होगा। इसी प्रकार से y वाला फार्मूला y1 + y2 + y3 / 2 हो जाएगा। y1 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 है तो हम 4 लिखेंगे, y2 का मान 6 है और y3 का मान -1 है, 3 करेंगे। देखिए 6 और 4 कितने होते हैं जी, तो 6 और 4 = 10 होते हैं, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा और 9 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3/3 हो जाएगा, यानी 2.3 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा और 2.3 ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। कहता है कि n पदों वाले AP का योग n² + 2n + 1 है, तो इसका 6th पद क्या हो जाएगा। जब इसका 6th पद ज्ञात करते हैं तो 6 × 12 = 13 होता है जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद में कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 में हैं, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी त्रिभुज के भुजा का अनुपात दे दिया जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है आपसे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, केवल स्क्वायर कर दीजिएगा। 3 का स्क्वायर 3 × 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, अथा क्वेश्चन का सही जवाब 9/25 हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 43 कहता है कि बिंदु 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी तरीके से दूरी का जो फार्मूला होता है √(x2 − x1)² + y2 − y1)² इसी फार्मूला के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों x2 का मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, x1 का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस में हमें चाहिए y2 का मान जो कि 3 है, y1 का मान -1 है तो -1 मिलकर +1 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 बचेगा, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, और 3 में 1 को ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 × 4 होते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, जब 16 में 4 को ऐड करते हैं तो 20 हो जाता है। अब यहाँ पे 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 4 = 20 होगा, 2 का 1 रूट से बाहर निकल जाएगा और रूट में बचेगा केवल 5, अतः हम कह सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो 2√5 हो जाएगी। 2√5 ऑप्शन डी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 को देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन 44 कहता है कि समीकरण 2√2y² + 5y + √2 का विविक्तर क्या हो जाएगा। जब भी एग्जाम पेपर में विविक्तर, विवेचक,
या प्रकृति के लिए पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा प्रत्येक स्थिति में आप सभी से डी का मान पूछा जाता है, जिसका फार्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। अब यहाँ पे बी का मान की बात कीजिएगा तो पाँच दिया गया है, तो आपको यहाँ पे पाँच का स्क्वायर करना होगा, माइनस फोर गुने ए का मान। दोस्तों ए का मान दो रूट अंडर दो है तो दो रूट अंडर दो लिखेंगे। उसके बाद में सी का मान भी रूट अंडर दो है तो रूट अंडर दो लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि पाँच का स्क्वायर करेंगे, तो दोस्तों पाँच का स्क्वायर पच्चीस जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर दो में रूट अंडर दो से ना करेंगे तो दो हो जाएगा, दो में दो से ना करेंगे तो दो दूनी चार, और चार में चार से ना करेंगे तो सोलह हो जाएगा। यानी पच्चीस माइनस सोलह, पच्चीस में से सोलह को माइनस करते हैं तो नौ आता है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नौ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 को देख लीजिए कि बिंदु 3.4 और माइनस 3.8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x का जो फार्मूला होता है जी, वो एक्स वन प्लस एक्स टू बटा दो होता है। अब देखिए एक्स वन का मान यहाँ पर तीन है तो हम यहाँ पर तीन लिखेंगे, एक्स टू का मान माइनस तीन है तो आपको यहाँ पर माइनस तीन लिखना होगा, बटा दो कर लीजिए। तीन में से तीन घटेगा तो आपका जीरो बचेगा, और जीरो में दो से भाग लगाते हैं तो जीरो ही आता है। उसके बाद में वाई बराबर जो फार्मूला होता है जी, वो होता है वाई वन प्लस वाई टू बटा दो होता है। देखिए वाई वन के मान की बात करें तो चार है तो हम यहाँ पे चार लिखेंगे, वाई टू का मान आठ है तो आठ लिखेंगे, बटा दो कर देंगे। अब आठ चार होते हैं बारह, बारह में दो से भाग लगाएंगे तो प्राप्त संख्या छः हो जाएगा। तो पहले वाला का आंसर जीरो आया है, दूसरे वाला का छः, अतः क्वेश्चन का सही जवाब 0.6 होगा, और 0.6 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 46 को देख लीजिए। क्वेश्चन 46 कहता है एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये आपका 30 डिग्री दिया गया है और ये आपका 21 मीटर दिया गया है। इसका नाम आप ए बी सी या पी क्यू आर भी रख सकते हैं, हमें P ज्ञात करना है और B का मान दिया गया है। तो P बटा B किस में होता है, तो टेन में होता है। टेन कितना डिग्री से दोस्तों चलेंगे, तो 30 डिग्री से। फार्मूला यहाँ पे P बटा B लिखेंगे। अब यहाँ पे टेन में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, P का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है, B का मान दिया गया है 21। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना होगा, P में √3 से ना खींचेगा तो P √3 हो जाएगा, और 21 में एक्स ना करेंगे तो 21 हो जाएगा। यदि हम केवल P बराबर लिखेंगे 21, तो √3 जो आप गुना में देख पा रहे हैं बराबर की तरह जाकर ये भाग में हो जाएगा, तो 21/√3 हो जाएगा। हालांकि 21/√3 तो नहीं दिया गया है, तो हम 21/√3 का परमेयीकरण कर देंगे, यानी √3 से गुना √3 से भाग कर देंगे। 21 में √3 से गुना करेंगे तो 21√3 होगा, √3 में √3 से ना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब इसे कटा देंगे तो 3 × 7 = 7 कट जाएगा, और यहाँ पे बचा है √3, यानी क्वेश्चन का सही जवाब 7√3 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होती हैं। याद रखिएगा दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है यदि कौशिक थीटा बराबर 5/3 हो तो कौ थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए कौशिक का फार्मूला एच बटा क्या होता है जी, पी होता है। अब हमें ज्ञात करना है जब कौ थीटा का मान, तो कौ थीटा का फार्मूला आपका बी बटा पी होता है, तो पी के बदले में आप आसान तरीके से कितना लिख सकते हैं, 3 तो लिख सकते हैं, लेकिन बी का मान नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बी ज्ञात करेंगे। बी ज्ञात करने का फार्मूला √h² माइनस होते हैं p². एच का मान क्वेश्चन में 5 दिया गया है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। पी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा। दोस्तों 25 में से 9 घटाइएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल होते हैं 4, अतः बी का मान होगा 4। यानी कौ थीटा का फार्मूला बी बटा पी पे ज्ञात करेंगे तो 4/3 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 4/3 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में कहता है दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ इस प्रकार है कि 2AB = DE, जहाँ BC का मान 8 दिया गया है
तो EF का मान क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे 2 जब AB दिया गया है और BC का मान 8 दिया गया हो तो 8 में 2 से गुना कर दीजिए, 8 × 2 = 16 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यदि R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी डिग्री है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पायर इसका थीटा बटा 360 होता है। यदि आप ऑप्शन बी में देखेंगे तो R के बदले में तो यहाँ पे R ही है लेकिन थीटा के बदले में P है, तो हम क्या करेंगे 2 से 720 को घटाएंगे तो ये आपका 360 मिनट कट जाएगा और ये बचेगा पाई आर स्क्वायर, थीटा के बदले में पी रखना है, अब बटा में 360 हो जाएगा। अतः त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सही फार्मूला ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।